जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जरा बताएंगे। सिर गुडविल के ऊपर बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करते हैं, मज़ा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आते हैं सर, ये आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अलग है, अलग टाइप का है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, लेकिन मुन्ना इस चीज़ को समझने के लिए आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डाला हुआ हूँ, उसको सॉल्व किए हुए हूँ, उसको प्रॉपर पढ़ोगे तो बेटा समझ में आएगा। चलिए, लेकिन अभी एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। आइए सर, कैसे फटाफट बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन करेगा? मुन्ना देखो, 16 नंबर, ये 20 है, हमने 20 एक एक करके एमसीक्यू रखा है, मैंने 45 बोला था, तो अभी तक 20 हम लोग किए। आइए, कैपिटल इम्प्लाइड इन ए बिजनेस, हमारे बिजनेस में कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया हुआ है? 150,000 दिया हुआ है। फटाफट आपको इसमें से चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का आंसर सही निकालना है। चलिए, कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 50, नॉर्मल रेट ऑफ 20% है, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे फटाफट सर? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 150,000 रुपया कैपिटल इम्प्लाइड गिवन डेट है क्वेश्चन में, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 20% डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, ठीक है, यहां से आपको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, कितना हो गया सर, ये 30,000 हो गया, आपके नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस में 30 है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आंखों की प्राप्ति माइनस क्या, नैनो की प्राप्ति। आइए, एवरेज कितना कमा रहे हैं आप, 20-50,000, तो 50,000 लिखिए, 50,000 मैंने लिख दिया। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जल्दी से बताओ, 30,000। मुझे बताओ आपने सुपर प्रॉफिट आपके बिजनेस में कितना हो गया, 20,000। तो मुझे बताओ गुडविल कैसे निकाला जाएगा? दम सिंपल सर, क्या बात कर रहे हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमको सिंपल लगा। गुडविल क्या है, एसपी, जितना 20,000 है इसको रखो बेटा, 20,000 इंटू क्या, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20, आप इसको कट करोगे मुन्ना तो ये कितना आ जाएगा मुन्ना, ये 1,00,000 हो गया। यही आंसर आपका करेक्ट है मुन्ना, डी नंबर आंसर आपका सही है। तो आप किस में टिक करोगे, ये डी नंबर में आपको टिक कर देना है, क्लियर है? तो देखो कितना फटाफट हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए फटाफट करते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स 52,000, आपका पिछले साल का लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, देन एवरेज प्रॉफिट विल बी, कहता है कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल कर बताओगे मुन्ना? बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा सर, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, जल्दी से बताओ। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है मुन्ना, 52,000 है, 52,000 कितने साल बोला है, चार से डिवाइड करो, एवरेज निकल जाएगा। तो मुझे बताओ एवरेज कितना निकल गया, 13,052 हो गया ना, तो देखो 13,000, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसका मीन्स है कि आंसर आपका कौन सा हो गया सर, यही जो मुन्ना, ये हम टिक लगा दिए, यही आंसर है मुन्ना, आंसर आपका हो गया आंसर बी हो गया, ये आंसर सही है, बाकी गलत है। चलिए, इसका मीन्स है कि अगर, इट मीन्स मुन्ना सुनो ध्यान से, कभी भी याद रखना, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है तो फटाफट वर्किंग नोट करो और उसको तब ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि भैया मुन्ना सोचना है कोई गुल्लक मारेंगे कहीं फंस जाएगा, ये गोला नहीं है मुन्ना। आइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, कहता है कि भैया गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, एट द 2 ईयर्स एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल का प्रॉफिट गिवन डेट है। तो मुन्ना आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन डेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे करेगा बच्चा? तो सर 3 साल का प्रॉफिट है तो आप एवरेज निकाल लो, एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, तीनों का प्रॉफिट लो मुन्ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000 हो गया, 4,000 ऐड करो, फिर कितना है सर, 5,000 है, 5,000 ऐड कर लो, फिर कितना है बेटा, 6,000 है, तो 6,000 ऐड कर लो, 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 3 से डिवाइड करो क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ कितना हो गया, ये हो गया 15 को 3 से डिवाइड करो मुन्ना, कितना हो गया 3, अभी मुझे बताओ 3,000 आप 5,000 रुपया आपका क्या हो गया, एवरेज। गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताइए सर, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा एवरेज प्रॉफिट से, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है मुझे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है 5,000 सर, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल बोला है, 2,
दो से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया सर 10,000। इसका मीन्स है कि आंसर आपका कौन सा होना चाहिए 10। ये बी नंबर ऑप्शन सही है, तो हम लिखेंगे आंसर कितना मुन्ना, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ये आंसर। अब बाकी क्या है मुन्ना, गलती है। आइए सर आगे फटाफट पढ़ते हैं। सर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है मुन्ना, कुछ गलती नहीं होगा। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए पार्टनरशिप फॉर 1,00,000 है एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट 25,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है इन द सिमिलर फंड, वर्किंग कंडीशन वर्किंग अंडर द सिमिलर कंडीशन द सुपर प्रॉफिट। मुन्ना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे बताओ आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है सर। आइए फटाफट हम यहीं पर काम कर लेते हैं। सर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है फटाफट बताइएगा। सर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज प्रॉफिट 25,000 लिख लीजिए। एनपी कैसे निकालेंगे, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1,00,000 कैपिटल इंप्लाइड है तो लिखो 1,00,000। कितना परसेंट बोला है सर, 20% बोला है, तो 20 / 100 कर दो, कितना हो गया सर 20,000। मुझे बताओ अगर आंखों की एवरेज प्रॉफिट 25,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आंखों की प्राप्ति माइनस क्या नैनो की प्राप्ति, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे बताओ बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है 25,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। मुझे बताओ तो अगर कोई भी पूछे कि भैया सुपर प्रॉफिट कितना हो गया तो क्या बताओगे, 5,000। मुझे बताओ ये ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका ठीक है, मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, आंसर बी आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है, बाकी गलती है मुन्ना। अब आइए सर, गुडविल इज ए .. एसेट्स। गुडविल किस तरह का एसेट्स है, वर्थलेस बेकार है क्या, नहीं सर ये बिल्कुल गलती है। सर टेंजेबल है, नहीं सर गुडविल इनटेंजेबल एसेट्स है। वैल्यूलेस है, ये भी गलती है सर। सही क्या है, वैल्यूएबल, मतलब आपका आंसर कितना नंबर होगा बेटा, आंसर नंबर डी होगा, ये वैल्यूएबल। आपको ना फटाफट मेरे से भी ज़्यादा आपको किप फास्ट काम करना है, इस तरीके से आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।